यहाँ पे आप चित्रा देखिए कि तमाम जो स्वामी है, हमने पहले भी दिखाया था, आप जो पूरी बस भर के आई है, तमाम स्वामी जो तमिलनाडु से आए हैं आदिनम से, वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं और एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है स्वामी जी। लोग जो उतर रहे, बिग मोमेंट स्वामी जी। नमस्कार। तो यहाँ पे लगातार आप देखिए जो तमिलनाडु की संस्कृति की भी झलक यहाँ पे मिलेगी, और जो वहाँ पे परंपरा है मंत्रों का जो उच्चारण होना है, वो तमाम जो यहाँ पे वरिष्ठ महापुरुष साधु और संत हैं वो, और यहाँ पे आप देखिए जो मुख्य संत हैं अधिनम के, वो यहाँ पे आपने तस्वीरों में भी कल देखा था कि किस तरह से आ रहे हैं, और जाहिर तौर पे ये यहाँ पे आम के पत्ते लिए जा रहे हैं, तो बड़ी परंपरा जो है वो नजर आएगी यहाँ पे, मंत्रों का उच्चारण होगा और तमिलनाडु की कल्चर की और संस्कृति की झलक। बिग मोमेंट फॉर यू स्वामी। ये बिग मोमेंट एंड बिग वेरी ऑनरेबल रिसेप्शन, वेरी ऑनरेबल रिसेप्शन मोदी जी के, ग्रेट मेकिंग अ गुड फंक्शन ऑफ तमिलनाडु साधुस एंड गिविंग more martiality and creativity and ability and for the nation. He is giving boost of our nation. Boost, yes. What is going to happen inside? What is, you are going to sing hymns, prayers, yes. Inside? What are you doing? Inside, I am making a havan and making Ganpati puja. Ganpati puja? Ganpati havan. Our making the prayer and Ashirvad to Modi ji, enter the parliament and giving the shingle to Modi ji, is taking and putting the central place of Lok Sabha speaker ki chair ke paas. Shingle, transfer of power, Swami ji? Yes. Message of, yes, transfer of power? Power, very, it is a power. Without her, why you will get? Is it having power? It has power. Power. Yes. You have it. Like that is. It will give power to the people also of the country? People, not people of the country, for the world. For the world. Modi is giving the power to world. यहाँ पे देखिए सब स्वामी जी का जाने का सिलसिला है, और स्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पे, ही इज टेलिंग अस कि किस तरह से दिस इज अ ग्रेट मोमेंट। तमिलनाडु कल्चर हिम्स इन तमिल यू विल सिंग? या व्हाट आर दे कॉल्ड, प्लीज टेल द व्यूअर्स। इट इज द होलीस्ट, वेरी वेरी होलीस्ट, द तमिल इज द होलीस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड द कल्चर इज द ओल्डेस्ट। इट विल given all good divine ways to all of world people. तो यहाँ पे बताइए, देखिए आप ये तस्वीर चित्रा आप देख रही हैं, आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये किस तरह से गेट से अब एंट्री तमाम स्वामियों की होने वाली है। स्वामी जी ने यहाँ पे बताया कि ये पूरे देश को, विश्व को जो है ऊर्जा देगा, जिस तरह से जो संस्कृति और जो आज रीति रिवाज से शुरुआत हो रही है नई संसद की, अपने आप में वो एक ऐतिहासिक क्षण है। पूजा सामग्री भी यहाँ पे ले जाई जा रही है, और तमाम जो साधु संत हैं अब भीतर जाएंगे। दिस इज बिग मोमेंट फॉर यू स्वामी। Fulfillment of in your life, everything, Modi ji government and all of fulfillment. देखिए ये बता रहे हैं कि एक सपनों का को पूरा कर रही है ये पूरी जो संस्कृति और जो रीति रिवाज है, वो पूरे सपनों को पूरा कर रही है। पीछे हमारे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आज सुबह शुरुआत होने वाली है नई संसद में पूजा अर्चना से, उसकी सामग्री लेके तमाम तमिलनाडु के अधिनम से आए हुए ये महासंत आज शुरुआत करेंगे, और किस तरह से भारत की जो प्राचीन परंपरा
रहा है उसकी एक झलक दिखेगी, जो ना सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व के लिए यहाँ पे कहना है उनका कि कल्याणकारी होगी। और अशोक स्तंभ जो लगाया गया है भीतर, उसकी प्रतिकृति भी यहाँ पर, हालांकि इंदौर के दीनानाथ जी ने उसको बनाई थी, अब वो नहीं रहे, लेकिन कुल मिलाकर ये जो भव्यता है इस संसद भवन की वो देखते ही बन रही है। ये बताइए, कार्यक्रम की कितनी देर में शुरुआत होने वाली है? पीएम की जब मौजूदगी होगी पूजा पाठ के लिए, वैदिक मंत्रोच्चार से जब पूरा का पूरा हिस्सा गुंजायमान हो रहा होगा, उस समय किन किन लोगों की भीतर मौजूदगी होगी? अशोक, क्या जानकारी है इस बाबत? देखिए, 7:15 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और 7:30 बजे से पूजा अर्चना हवन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और करीब 1 घंटे ये चलने वाला है। वैदिक मंत्र उच्चारण, जो तमिलनाडु के मठ से साधु संत पंडित यहाँ पहुंचे हैं जगह जगह से, वो सब यहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा स्पीकर होंगे ओम बिरला, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के वो हरिवंश जी यहाँ पे मौजूद होंगे। तमाम साधु संतों के साथ यहाँ गांधी स्टैच्यू के पास एक पंडाल बनाया गया, वहां पर यह कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, वहां पर सब लोग जाएंगे और 8:30 से 9:30 बजे के करीब में ये प्रोग्राम होना है, प्रार्थना सभा होनी है। लेकिन दूसरे चरण में जो महत्वपूर्ण होगा, नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री, और दूसरी बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के यहाँ पर उनका संदेश भी पढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल संदेश भी पढ़ा जाएगा। अशोक, सीधे आपके पास आते हुए, जिस पहली प्रतिकृति के निर्माण का मैं जिक्र करती थी, यहाँ पर एक सवाल और। आप देखिए अशोक, आप तो बहुत सालों से लगातार पुरानी संसद में हर एक कामकाज को कवर करते रहे हैं, आप लोगों का अनुभव इस तरह का अब तक का कैसा रहा है, और नई संसद को लेकर एक पत्रकार के तौर पर किस तरह की उम्मीदें आकांक्षाएं आप लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए भी क्या कुछ खास व्यवस्था, ताकि अंदर की हर एक जानकारी सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा सके कि नई संसद के भीतर क्या उसी स्फूर्ति उसी के साथ कामकाज की भी शुरुआत हो रही है, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? अशोक, अगर आपके पास जानकारी हो। देखिए चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट, नई बिल्डिंग की जरूरत बहुत सालों से महसूस की जा रही थी, लेकिन डिसीजन नहीं लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई बिल्डिंग बनाने का निर्णय लिया गया, बहुत सालों से रिक्वायरमेंट थी इसकी, क्योंकि करीब 100 साल पहले ये पुरानी बिल्डिंग बनी थी और आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी कम मानी जाती थी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत का अगर कहें तो जीता जाता एक प्रमाण होगा पार्लियामेंट, इसमें सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, और जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें 888 सांसद बैठ सकेंगे लोकसभा में और 384 राज्यसभा में बैठ सकेंगे, जबकि पुरानी जो संसद थी उसमें बहुत कम संख्या थी। तो उसको देखते हुए आज की जरूरत के हिसाब से काफी समय से रिक्वायरमेंट मानी जाती है। और जहां तक पत्रकारों की बात है, पत्रकारों के लिए भी यहां पे लाउंज होगा और आधुनिक जो सुविधाएं होंगी इंटरनेट और तमाम उसको देखते हुए उनकी अलग से व्यवस्था की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि पार्लियामेंट का जो कैंपस बनाया गया, आज के हिसाब की जरूरत को देखते हुए और आने वाले कई सालों को देखते हुए ही इसकी संरचना की गई है संसद भवन की। की अगर बात की जाए, वहां पर कई इश्यूज होते थे, पानी टपक जाता था राज्यसभा के अंदर, एक बार इंसिडेंट हुआ था हम लोगों के सामने, गैस लीक हो गई थी क्योंकि बगल में कैंटीन थी, जो किचन थी किचन से गैस लीक हुई थी, तो तमाम उस टाइम हाउस एडजेंट करना पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें सदन के भीतर ऐसी घटनाएं घटी और उसके बाद लग रहा था कि नई बिल्डिंग होनी चाहिए, और आज की स्थितियों को देखते हुए और आज तमाम जो जरूरतें हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आधुनिकरण के हिसाब से, वो तमाम नई बिल्डिंग के अंदर बनाया गया।